नमस्कार, इस प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। और इस सत्र में हम समझेंगे कि एक पंचायत बाल हितैषी पंचायत के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं। इस हेतु कुछ सुझावों के साथ इस सत्र को आरंभ करते हैं। युवा भारत देश में बच्चे आने वाले कल की नींव रखेंगे। इस बात के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि देश के भावी नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने की तैयारी आज से ही की जाए। बच्चों के कानून में ये भी अधिकार है कि वो अच्छा जीवन जी सके, अच्छी शिक्षा अर्जित कर सके। लेकिन जहां अधिकार है, वहां अधिकारों के हनन वाले मुद्दे भी सामने आते हैं। बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए समस्या को जानना, सुनना, समझना और फिर उन्हें दूर करने की योजना बनानी होगी। सतत विकास लक्ष्यों को बाल अधिकारों की प्राप्ति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। गरीबी एवं अशिक्षा बच्चों को उनके पोषण, स्वास्थ्य, पीने का पानी, शिक्षा, संरक्षण और आश्रय के मौलिक अधिकारों से वंचित करती है। बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ग्राम पंचायतें बच्चों के जन्म, वृद्धि, विकास, संरक्षण से संबंधित सभी आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हों, अपने ग्राम क्षेत्रों में बच्चों से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को स्पष्टता के साथ समझना और उन्हें दूर करने के हर संभव प्रयास करने होंगे। तभी बाल हितैषी गांव या पंचायत सशक्त बनकर विकसित भारत में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है। अगर किसी पंचायत ने बाल हितैषी पंचायत बनाने का संकल्प लिया है तो पंचायतों को किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना होगा, किन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा और किन्हें सशक्त करना होगा, इसको समझना जरूरी है। कहाँ जरूरी है पंचायतों का हस्तक्षेप? सभी गर्भवती महिलाओं का 2 से 3 माह के अंदर आंगनवाड़ी पर पंजीयन हो और समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच होती हो। सभी बच्चों के जन्म का पंजीकरण आंगनवाड़ी में किया जाए और उनके स्वास्थ्य की भी नियमित जांच हो। बच्चों और धात्री एवं गर्भवती महिलाओं के संपूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाए। सभी का संस्थागत प्रसव हो। सभी बच्चों का आंगनवाड़ी व नर्सरी में नामांकन हो। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन उत्पीड़न, बाल अवैध व्यापार जैसी गतिविधियों पर कड़ाई से रोकथाम की जाए। नियमित रूप से VHND का आयोजन हो। और आइए इस विषय में हम देखते हैं क्या सोचते हैं गांव के किशोर किशोरियां। गांव के किशोर किशोरियों को अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाए तो देश एवं गांव के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। ये सब तभी संभव है जब पंचायतें सुनिश्चित करें जल एवं स्वच्छता सुविधा युक्त आंगनवाड़ी एवं स्कूल, बाल सभा का गठन हो और नियमित उसकी बैठकों का आयोजन, गांव की आंगनवाड़ी, स्कूल आदि जगहों पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित पेयजल एवं हाथ धोने की इकाई, पोषण वाटिका का निर्माण, समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को शैक्षिक सहायता, प्रशिक्षण सहायता। पंचायतें कैसे मदद कर सकती हैं स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को? और ये सब तभी सुनिश्चित हो सकता है जब पंचायतें इन विभिन्न समितियों को सशक्त करें। शिक्षा समिति, शाला प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, ग्राम बाल संरक्षण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, ग्राम संगठन की उप समिति। आइए सुनते हैं क्या कहना है स्थानीय कार्यकर्ताओं का। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर हर माह तदर्थ समिति की बैठक की जाती है। यहाँ पर तदर्थ समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहते हैं। हर महीने यहाँ बैठक दी जाती है। ग्राम की पंचायत से हमारे आंगनबाड़ी के केंद्र में हर तरह की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। आंगनबाड़ी में पेंटिंग वगैरह, पौधारोपण, हर तरह की बच्चे को यहाँ पर हर तरह की सुविधा दी जा रही है। पंचायत का हमारी आंगनबाड़ी में बहुत सहयोग रहा है एवं गांव का भी बहुत सहयोग रहा है। हमारे यहाँ पर सब तरह की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। मैं प्राथमिक शिक्षक ब्रजमोहन तिवारी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय रिची से
हमारे विद्यालय में पंचायत के द्वारा समय समय पर राज्य शासन की योजनाओं का पूर्णतः लाभ हमें प्राप्त होता रहा है। हमारे विद्यालय में डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, साथ में बच्चों के लिए खेलकूद का श्रेष्ठ मैदान, लाइब्रेरी जिसमें बच्चों को मोटिवेशनल क्लासेस का उद्देश्य पूरा होता है, उनकी पढ़ाई, उनका शिक्षण और समय समय पर गतिविधियों के आधार पर हम बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो समय समय पर वृक्षारोपण का भी हमें पंचायत के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है और विद्यालय को किस ढंग से बेहतर किया जाए वो मार्गदर्शन भी हमें समय समय पर गाँव के वरिष्ठों के द्वारा, पंचायत प्रमुख सरपंच महोदय के द्वारा और जन भागीदारी के द्वारा समय समय पर हमें सहयोग प्राप्त होता रहता है। हमें पूर्णतः पंचायत के द्वारा सहयोग प्राप्त होता रहता है। एनजीओ के द्वारा भी हमें समय समय पर यहाँ पर जो सुविधाएं बच्चों को मिलना चाहिए उन सुविधाओं से बच्चों तक पहुँचाई जाती है। इन सभी की बैठकें नियमित हो, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुविधा, संरक्षण आदि की न केवल चर्चा की जाए बल्कि लिए गए निर्णयों का तत्परता से पालन भी किया जाए। तभी पंचायतों का स्तर बदलेगा, तभी बदलेंगे गांव, बदलेगा प्रदेश और तैयार होगा अपना विकसित देश। पंचायतों को लोकतंत्र से मिली शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक या भौतिक विकास के लिए नहीं करना है, बल्कि हाशिए पर खड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना भी है। अभी तक हमने समझा कि अपनी पंचायत को बाल हितैषी पंचायत बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता है। आइए अब हम समझते हैं इन लक्ष्यों को हासिल करने हेतु केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 15 वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आयुष्मान भारत, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, MGNREGA, नरेगा, मिशन वात्सल्य। बाल हितैषी पंचायत बनाने हेतु इन योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा है यह सत्र एक बाल हितैषी ग्राम पंचायत संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, भारत सरकार एवं ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों, SLW, समुदाय कार्यकर्ता एवं विभिन्न विभागों प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करना है। आशा है ये मॉड्यूल पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों एवं संकल्पों को हासिल करने में सहयोगी होगा। धन्यवाद।